हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखेंगे बेल फ्रिक्शन। बेल फ्रिक्शन का भी करते हैं जब आपको मोशन ट्रांसफर करना था फ्रॉम बेल टू पुली और पुली टू बेल। तो यहाँ पे दो तरह के ड्राइव होते हैं, एक होता है पुली ड्राइव बेल्ट एंड एक होता है बेल ड्राइव पुली। बेल फ्रिक्शन में यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना था आपको, T1 बाई T2 इक्वल्स टू E रेज़ टू म्यू थीटा। इस फॉर्मूले के जो वैल्यूज हैं वो हम कहाँ से लेते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर T1 T2 टाइट साइड एंड स्लैक साइड टेंशन होता है। बेल्ट फ्रिक्शन में जहाँ पर बेल्ट यूज होता है वहाँ पर आपका एक साइड हमेशा टाइट होगा और एक साइड हमेशा लूज होगा, लूज या फिर स्लैक बोलते हैं उसे। तो देखते हैं कि इस केस में वो T1 T2 क्या होगा और इस केस में T1 T2 कैसे वायरी करेगा। तो जब पुली ड्राइव बेल्ट होगा मतलब वहाँ पर पुली घूमने की वजह से बेल्ट घूमने वाला है। तो ये पुली कैसे घूमेगा, जब मोटर अटैच होगा उससे शाफ्ट होगा, उस शाफ्ट पर पुली होगा और उस पुली की वजह से बेल्ट घूमने वाला है। तो जब ये पुली घूमेगा तो वो इस साइड, इसका मोशन ने ये डायरेक्शन दिया है, तो जब ये ऐसा घूमेगा तो इस साइड वाले बेल्ट को ऊपर खींचेगा। तो ये जिस साइड से खींचते हैं उस साइड टेंशन ज्यादा होता है, तो ये T1 हो जाएगा, इस साइड जस्ट रिलीज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा T2। फिर बेल्ट ड्राइव पुली में क्या होता है कि यहाँ पर बेल्ट की वजह से पुली घूमने वाला है। तो इसका मोशन मैंने ऐसा दिखाया है, तो क्या होगा ये जब मैं इसे इस साइड खींचूंगा तो ये बेल्ट ऐसा घूमेगा और ये फिर पुली घूमेगा। तो जब मैं इसे खींचूंगा तो इससे टेंशन ज्यादा होगा और इससे टेंशन कम होगा, तो ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। फिर इनका अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपल सा एग्जांपल है आटा चक्की। आटा चक्की में क्या होता है कि एक साइड में मोटर लगी होती है, मोटर से शाफ्ट बाहर आता है, उस शाफ्ट के ऊपर पुली होता है, उस पुली के ऊपर फिर बेल्ट अटैच होता है, वो बेल्ट फिर आगे इस साइड आपके ग्राइंडिंग व्हील के शाफ्ट के पुली के ऊपर होता है। तो मतलब जहाँ पर मोटर है वो आपका हो जाएगा पुली ड्राइव बेल्ट, क्योंकि वहाँ पर मोटर की वजह से वो पुली घूमने लगा और उस पुली की वजह से बेल्ट घूमेगा, फिर वो मोशन आगे यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये बेल्ट घूमने की वजह से वो पुली घूमने के वाला है और उस पुली से फिर अंदर जो ग्राइंडिंग व्हील है वो घूमेगा और फिर आपका आटा पिसके बाहर आ जाता है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल था उसका कि पुली ड्राइव बेल्ट एंड बेल्ट ड्राइव पुली कहाँ पर यूज करते हैं। इसी तरह बाकी और भी उसके एग्जाम्पल्स हैं, बट एक ये सिंपल सा जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा होता है एंगल ऑफ लैग। अब ये एंगल ऑफ लैग क्या है देखते हैं। एंगल ऑफ लैग यानी कि जहाँ पर आपका बेल्ट जहाँ से कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक कॉन्टैक्ट है वो पूरा एंगल होता है एंगल ऑफ लैग। सपोज ये आपका पुली था और ये आपका उसके ऊपर बेल्ट है और ये इतना ये T1 और ये T2। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में है ये कॉन्टैक्ट। तो हमें ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ लैग थीटा। ये हमें यहाँ पर पुट करना होता है, जब हम हमें जो अननोन वैल्यू निकालनी है वो हम इसमें पुट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर T1 होता है राइट साइड टेंशन, T2 होता है स्लैक साइड टेंशन, थीटा होता है एंगल ऑफ लैग यानी कि जहाँ से कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता है और जहाँ पर कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है वो पूरा एंगल। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये थीटा जब आप यहाँ पर पुट करते हो तो पुट करते रहे हमें वो रेडियन से पुट करना होता है। ये डिग्री में आता है, हमारे यहाँ पर सपोज ये 120 डिग्री अगर आया है तो यहाँ पर पुट करते रहे उसे रेडियन से पुट करते हैं, यानी कि हमें वहाँ पर पुट करते रहे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक सिखा दिया है, समझा दिया है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया समझना है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।